Assalamualaikum guys, it's me Vikram Kumar from Shine Higher Secondary School, Kasimabad, Hyderabad. So, जी guys, हम मैथ समझ रहे हैं, मैथ्स कंटिन्यू है, तो मैथ्स कंटिन्यूसली अगर आपको समझनी है तो पहले आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड उसके साथ साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, ठीक है guys? तो आइए हम आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 समझेंगे. क्वेश्चन 1 कंटिन्यू है, सारे क्वाड रिजेंबल है, जैसे हैं क्यूब रूट्स कैलकुलेट करने हैं. यहां पर 729 का 729 के क्यूब रूट्स कैलकुलेट करने हैं, ठीक है? तो आइए देखते हैं कैसे 729 के क्यूब रूट्स कैलकुलेट कर सकते हैं. सेम वही स्टेप्स जो प्रीवियस क्लासेस में समझे हैं. तो 729 का जो क्यूब रूट है, सपोज दे रहे हैं डेमिनेटेड एक्स बी ए क्यूब रूट ऑफ 729, ठीक लिखा. तो एक्स जो क्यूब रूट है मींस एक्स पावर 3 इक्वल्स टू 729, सही है? क्योंकि क्यूब रूट है तो एक्स पावर 3. अब 729 उस साइड पे प्लस में है, तो अगर इस साइड पे शिफ्ट करेंगे माइनस में हो जाएगा इक्वल टू 0. 729 साइड पे शिफ्ट हो गया, ठीक. अब देखिए x पावर 3 है, माइनस 27 29. अब देखना ये 729 किस नंबर का परफेक्ट क्यूब है, मींस वो कौन सा नंबर है जिसको आप 3 टाइम मल्टीप्लाई करें 729 हो जाए, दैट इज 9 पावर 3. 9 मल्टीप्लाई 9 9 इज ए परफेक्ट क्यूब ऑफ 729, सही है? अब दो नंबर सबट्रैक्ट करें, दोनों पे क्यूब है अलग अलग, तो इसको एलिमिनेट करना है बाय यूजिंग द फार्मूला. फार्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है? अब इस फार्मूले के सबसे वैल्यू आप ए मीन्स एक्स, बी की वैल्यू 9, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए मल्टीप्लाई बाय बी, एक्स मल्टीप्लाई बाय 9, बी स्क्वायर मीन्स 9 स्क्वायर इज इक्वल टू 0, सही है? इस फॉर्मूले के साथ से टर्म्स को लिखा, आप फर्स्ट ब्रैकेट में एक्स माइनस 9, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स मल्टीप्लाई बाय 9 9x प्लस 9 स्क्वायर मीन्स 81 इक्वल टू 0, ठीक. अब दोनों वेक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं इक्वल टू 0, तो दोनों को सेपरेट लिख सकते हैं, x माइनस 9 इक्वल टू 0, x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 81 इक्वल टू 0. ये लीनियर इक्वेशन, तो इसी क्वेश्चन में x की वैल्यू 9 माइनस है तो साइड पे प्लस का हो गया, वैल्यू डायरेक्ट मिल गई. अब सेकंड वाले से क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दो रूट्स यहां से बनेंगे, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे बाय using quadratic formula. Quadratic equation पे यहाँ पर quadratic formula use कर सकते हैं, ठीक. अब quadratic formula क्या है, कैसे लिखेंगे, that is x की वैल्यू minus b, x variable है, x की वैल्यू फाइंड करेंगे, इसलिए x की वैल्यू minus b, b square minus 4ac square root divided by 2a, ठीक. अब ये फॉर्मूला तो यूज करेंगे, फॉर्मूला लिखा है तो, मगर देखिए फॉर्मूला में ए बी सी टर्म्स है, तो ए बी सी की वैल्यू कहां से आए, कहां से हम ले आए, कैसे रिप्लेस करेंगे, तो इसकी वैल्यूज को रिप्लेस करनी है. तो अब देखिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ड्राइव हुआ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म है वो ये है, ठीक. अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला हम इस पे अप्लाई करेंगे, तो ये क्वेश्चन इसीलिए लिखिए क्योंकि ए की वैल्यू कैसे हम एक्सपेक्ट करें फ्रॉम दिस इक्वेशन, बी की वैल्यू एंड सी की वैल्यू. सो ए की वैल्यू मींस एक्स स्क्वायर, जो वेरिएबल यूज हो रहा है उसका कोएफिशिएंट है ए, तो यहां पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं है, मींस 1 है वैल्यू ऑफ केस 1. बी मींस वेरिएबल एक्स का जो कोएफिशिएंट है दैट इज बी, तो यहां पर एक्स का कोएफिशिएंट है प्लस 9 एंड सी का मतलब कांस्टेंट नंबर That is 81, सही है? तो quadratic equation का simple form इसीलिए सामने लिखा है ताकि आपको इजीली समझ में आए a का मतलब क्या है, b and c क्या है, कैसे extract कर सकते हैं, सही है? सब वैल्यूज को
सब्स्टिट्यूट करेंगे इन फार्मूला में। सो आई देखते हैं माइनस बी वेल 9 है प्लस माइनस बी स्क्वायर 9 स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई ए वैल्यू 1 सी वैल्यू है 81 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई ए वैल्यू है 1। ठीक, अब इनको सिंपलीफाई करेंगे माइनस 9 स्क्वायर में 9 स्क्वायर मींस 81 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 1 4 1 का 4। ठीक, एंड 4 मल्टीप्लाई बाय 81 सपोज 81 से मल्टीप्लाई करेंगे 324 स्क्वायर रूट में होल अपॉन में 2 1 का 2। सही है, अब 81 माइनस 324 स्क्वायर रूट में है, करेंगे सिंपलीफाई। सो अब देखिए कैसे सिंपलीफाई करते हैं, x3 का 2 माइनस 9 प्लस माइनस 324 में 81 माइनस करेंगे तो माइनस का नंबर आएगा क्योंकि नेगेटिव नंबर बड़ा है, तो यहाँ पर बाकी रहेंगे 3 ठीक 4 2 243 माइनस के डिवाइडेड बाय 2। सो माइनस 9 प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव साइन को स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो आयोटा भी कन्वर्ट हो जाएगी, तो माइनस साइन स्क्वायर रूट नहीं है, बाकी स्क्वायर रूट की जो नंबर है 243 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो 243 के फैक्टर्स कैलकुलेट करेंगे हम 243 3 का डबल लग सकता है 24 को 8 टाइम एंड 3 का 1 टाइम 81 को 3 का डबल लग सकता है 27 टाइम 3 का डबल 9 टाइम 9 को 3 का डबल 3 टाइम एंड 3 को 3 का डबल 1 टाइम। सो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 243 कितने 1 2 3 4 5 टाइम 3 को लिखेंगे, दीज आर द फैक्टर्स, परफेक्ट में इसका नहीं था इसलिए फैक्टर्स कैलकुलेट किए। अब देखें पेयरिंग फर्स्ट वन सेकंड पेयर एंड 3 एक अकेला, तो जितने भी पेयर्स हैं वो पेयर्स आजाद हो गए, 3 सेकंड पेयर 3 एंड 3 इसका यूनिक है, एक पेयर में 3 यहां से आया सेकंड पेयर से 3 आया, ये 3 अकल जो अंदर है एक ही है इसका यूनिक है रहेगा डिवाइडेड बाय 2। सो x की कॉस्ट माइनस 9 प्लस माइनस आयोटा 3 मल्टीप्लाई बाय 3 3 इज 9 रेडिकल में 3 7 डिवाइडेड बाय 2। ठीक, अब देखिए ऊपर दो नंबर्स हैं टर्म है 9 दोनों में से कॉमन ले सकते हैं, तो 9 को अगर कॉमन लेंगे माइनस 1 प्लस माइनस आयोटा रेडिकल 3 डिवाइडेड बाय 2। सही है, अब 9 कॉमन लेने के बाद जो टर्म रहा है अब प्लस माइनस में है, दो रूट्स हैं दोनों को सेपरेट लिखेंगे, देखिए कैसे माइनस 1 प्लस माइनस आयोटा रेडिकल 3 डिवाइडेड बाय 2, प्लस माइनस को पॉजिटिव रूट अलग लिखेंगे, x3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 माइनस आयोटा रेडिकल 3 डिवाइडेड बाय 2 नेगेटिव को अलग लिखेंगे। ठीक है, पहले प्लस माइनस कंबाइन थे दोनों को सेपरेट लिखा, क्यों लिखा, तो ये जो ब्रैकेट में वैल्यू है कंप्लीट वैल्यू है ओमेगा की है 9 ओमेगा, यहां पर x की जो सेकंड वैल्यू है 9 ये कंप्लीट वैल्यू है ओमेगा स्क्वायर की, ओमेगा स्क्वायर लिखा। सही है, तो इसीलिए हमने इस तरीके से सॉल्व किया कॉमन लिया, अब दो रूट्स ये थर्ड रूट यहां से मिला है 9 तो फाइनली 729 के क्यूब रूट्स मिल चुके हैं। सो हेंस क्यूब रूट्स ऑफ 729 आर 9 ओमेगा स्क्वायर आंसर। ठीक है गाइस, सिंपल था, कंटिन्यूअसली प्रीवियस क्लासेस में यही प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया है, सारे सेम है जस्ट नंबर चेंज है, सो बिल्कुल समझ में आता होगा आपको उम्मीद करता हूँ, अगर कंसल्टेशन से समझने की कोशिश करेंगे तो बी सिंसियर विद योर सेल्फ एंड समझें कंसल्टेशन से, कहते हैं कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हम समझ ना सकें हमसे ना हो सके मगर उसके समझेंगे, आपको कोशिश आपको करनी है हिम्मत करनी है, एवरीथिंग इज पॉसिबल, हर चीज़ समझ सकते हैं। सो
मैथ्स तो क्या चीज़ है, सिंपल है, समझेंगे समझ सकते हैं, टाइम मांगती है, टाइम आपको निकालना है। ओके गाइस, अल्लाह हाफिज़।